तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है बाप। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। इसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं अपकमिंग टारगेट्स और लेवल्स क्या हो सकते हैं, जो कि आने वाले वीकेंड में हम लोग मतलब 1 वीक के टारगेट्स डिस्कस करने वाले हैं और इंट्राडे लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली। अगर आप लोग ध्यान से देखें सेंट्रल बैंक में क्या चल रहा था, अभी एक लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था, गिरावट चल रही थी। ठीक, मार्केट ने आपको यहाँ थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश करी, कम बैक करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, बट फेल हो गया, फिर एक गिरावट आ गई। ओके, तो इसने कौन सा पैटर्न में चल रहा था अभी तक, ये लोअर लोस एंड लोअर हाइस, बट यहाँ से गेम चेंज हो गया भाई। यहाँ से गेम चेंजर आया। गेम चेंज होने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिला, एक रिट्रेसमेंट मतलब रिजेक्शन देखने को मिली डाउन साइड से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था हम लोग का। क्या था इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, यहाँ पर था हम लोग का, इसी वजह से यहाँ रिजेक्शन आई, मार्केट ने अप ट्रेंड देखना दिखाना चालू करा। ठीक, अब बात करने वाले हैं कि अपकमिंग लेवल्स और टारगेट्स क्या हो रख सकते हैं। देखो स्टॉक के थोड़े प्राइस को समझिए, उसकी साइकोलॉजी समझिए। स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से हायर हाइस फॉर्मेशन चेंज कर दिया इसने। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, हायर हाइज हायर लोस एंड हायर हाइज हायर लोस देन फिर से अगेन हायर हाई, बट अब की बार इसने क्या करा, ये गैप डाउन ओपनिंग दे दी। इस गैप का रीजन क्या था, एक तो गैप का रीजन था ये जो अर्निंग वाली इसकी रिपोर्ट आई थी, वो मेजर रीजन था, उसकी वजह से गैप में हम लोग को गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। ठीक, मेजर रीजन ये भी है एक, बट अब क्या बात करने वाले हम लोग, क्या ये पुल बैक वापस अपने आपको कम बैक करेगा, अपसाइड लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करेगा या फेल हो जाएगा। देखो अगर उसको और पता करना है तो स्टॉक को हम लोग को अगर वापस अपने आप को अपसाइड होल्ड करना है तो स्टॉक को 27.90 रुपीज के अबव साइड में होल्ड करना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं 28 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये 27.90 रुपीज के अबव ट्रेड नहीं कर पाता, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, वापस स्टॉक इसी रेंज में आ जाएगा और एक गिरावट का स्नैरो बनाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग को क्या वेट करना है, जबकि स्टॉक यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाए, रिजेक्शन कैंडल इन द सेंस बोले तो देखिए जिसकी विक डाउन साइड से बहुत बड़ी हो, नीचे देखिए ऐसी कैंडल बनेगी। मैं आपको थोड़ी कैंडल का बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कि कैंडल कैसी दिखनी चाहिए, रिजेक्शन कैंडल लाइक दिस, जिसकी देखो विक तो ऐसी हो इतनी बड़ी कैंडल की विक हो, बट जो बॉडी हो वो बॉडी अप साइड में क्लोज करे। ठीक, अगर ऐसी कैंडल बना देता है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस वेरी हाई हो जाती है हम लोग की, बट वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ओके, हम लोग के चांसेस वेरी बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके अपसाइड का सिनेरियो हम लोग को दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इन लेवल्स और टारगेट्स को आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर एक बार ये निकलना ऐसी कैंडल बना देता है, टारगेट्स की बात करते हैं, टारगेट्स हम लोग को फर्स्ट टारगेट हम लोग कितना ये गैप फिलिंग करने के लिए जाएगा, जैसे गैप फिल करेगा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हम लोग रखने वाले 30.15 रुपीज का, अगर ये भी निकाल देता है तो अगला 31.15 रुपीज का रहने वाला टारगेट। तो आने वाले टाइम पीरियड में इन टारगेट्स के ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।